हाँ, अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे थे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अपन क्या कर रहे थे, सेक थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला वन अपॉन सेक थीटा, ये कोस थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। नंबर दूसरा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। सबसे सिंपल है कि कोस थीटा को आप वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो, सबसे सिंपल। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वन। अपने को साइन कोसेक कॉस टेन को इन सबको सेक की टर्म्स में लिख रहा है, सेक को सेक की टर्म्स में नहीं लिख सकते, बाकी के पांच बचे उन पांचों को सेक की टर्म्स में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों टर्म में रूट करूंगा साइन स्क्वायर थीटा रूट में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट। इसके रूट करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा, और देखिए स्टूडेंट्स ये वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये रहेगा। इसका रूट कैंसिल क्यों नहीं हुआ, देखिए अगर ये ऐसा होता वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अगर ये ऐसा होता वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तब तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता, गायब हो जाता। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता, गायब हो जाता। लेकिन ये अलग अलग है, इधर देखिएगा यहाँ पे वन अलग है कोस स्क्वायर अलग है, तो ये गायब नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये साइन थीटा का फॉर्मूला अलग है लेकिन ये क्या है, कोस है। आपको चाहिए सेक में, किसमें चाहिए, सेक में चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, वन माइनस कोस को लिखेंगे वन अपॉन सेक, लेकिन ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोस स्क्वायर है तो सेक के भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद अपन क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे, क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कहेंगे एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट्स साइन थीटा इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा, मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे कहाँ पे रूट गायब होगा, कहाँ पे रूट गायब नहीं होगा, स्टूडेंट्स आप इसको देखोगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर रूट गायब होगा या नीचे रूट गायब होगा। देखिए ऊपर रूट गायब नहीं हो सकता बिकॉज अलग अलग टर्म्स है, लेकिन नीचे रूट गायब हो जाएगा क्या, नीचे रूट गायब क्यों होगा, क्योंकि उसकी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, रूट गायब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ऊपर रूट गायब नहीं होगा, ऊपर रूट गायब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग टर्म्स है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। अगर होल स्क्वायर होता, अगर क्या होता है, ये होल स्क्वायर होता तो अपन गायब करते, लेकिन ऊपर तो रूट रहेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो नीचे क्या आ जाएगा, sec थीटा। देखिए स्टूडेंट्स स्क्वायर से रूट क्या हो गया, गायब हो गया, लेकिन ये अलग अलग है इसलिए रूट गायब नहीं होगा। यहाँ पे भी गायब नहीं हुआ था, ये अलग अलग था तो गायब नहीं हुआ, लेकिन स्क्वायर से ये अकेला था तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया, कोस का आ गया, साइन का आ गया, अगला कोसेक का निकाल सकते हैं। आपको पता है कोसेक किसका रिवर्स होता है, कोसेक किसका रिवर्स होता है, कोसेक होता है
साइन का, जो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो अपन इसका उल्टा करेंगे, sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे साइन, हेलो हाँ बोलिए, हाँ बोलो, ठीक है ठीक है, बाद में बोल देता हूँ। तो cos तो बना कौन सा है, sec की टर्म्स में आ गया, sin भी sec की टर्म्स में आ गया, cosec भी sec की टर्म्स में आ गया, sin का रेसिप्रोकल cosec जो नीचे था ऊपर चला गया, ऊपर था नीचे आ गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक दो तीन आ चुके हैं, अब बात करते हैं अपन तीसरे नंबर का हो गया, अब चौथे नंबर की बात करते हैं। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? या आपको ये भी पता है कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन, दोनों तरफ क्या लेंगे अपन रूट लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे रूट, रूट लेने से फायदा क्या होगा स्क्वायर क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, स्टूडेंट इस स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा tan थीटा आएगा, तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन किसका फॉर्मूला tan का, किसकी टर्म्स में है sec थीटा की टर्म्स में, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल cos। अब देखिए माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा सर रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं, अरे नीचे क्या लगा सकते हैं, बल लगा सकते हैं, नीचे क्या लगा सकते हैं बल, क्योंकि नीचे बल लगाने से कोई फायदा नहीं होगा लेकिन अपना आंसर तो आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो क्या आ जाएगा, वन अपॉन रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए ये नंबर पांच हो गया, cos का वाला कौन सा है साइन भी जाकर ये आ गया, कोसेक का ये आ गया, टैन का ये आ गया, कॉट का ये आ गया, सभी फॉर्मूले किसके टर्म्स में आ गए sec थीटा की टर्म्स में आ गए। दोबारा से देखिएगा, पहला होता cos थीटा वाला कौन सा के लोग डायरेक्ट आ गया, ये आइडेंटिटी होती है, यहां से साइन स्क्वायर ये आ गया, साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, स्टूडेंट्स इसको चेंज करना पड़ेगा cos को sec में, क्यों, क्योंकि अपने को इन टर्म्स ऑफ sec थीटा चाहिए, तो cos स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है पर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर यहां पे एलसीएम लिया sec स्क्वायर माइनस 1 रूट करेंगे ये तो sec थीटा आएगा, ऊपर वाला ऐसा था ऐसा, क्योंकि ऊपर रूट गायब नहीं हो सकता बिकॉज टू टर्म्स है और यहां पे sin थीटा, sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec होता है, पर इसको नीचे कर दो tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sin आ गया cosec आ गया cos आ गया tan को बचा sec को चेंज, खुद sec में क्या चेंज करेंगे sec थीटा आल्सो इक्वल टू sec थीटा, तो यहां पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ रूट करेंगे, रूट करने से tan थीटा आएगा इसका रूट हो जाएगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा का रूट tan थीटा और ये ऐसा कैसा tan आ गया, तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब नीचे क्या लगा सकता हूँ वन, तो वन तो चला जाएगा ऊपर तो नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स इतना स्क्रीन शॉट ले, बाकी अपन आगे चले, प्रिया वर्मा सर आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, रेगुलर प्रॉब्लम है आपकी वॉइस तो क्लियर आ रही, डन
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा। आपको तीन को चेंज करना है, कितने को चेंज करना है, तीन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड उसमें साइन को कोस को टैन को इन तीनों को कोट की टर्म्स में आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। इन तीनों का कोट की टर्म्स में तो साइन से टैन, साइन सेक और टैन इन तीनों के फॉर्मूले, इन तीनों के फॉर्मूले, इन तीनों के फॉर्मूले किसमें चाहिए, कोट में चाहिए। स्टूडेंट्स इन तीनों के फॉर्मूले किसमें चाहिए, कोट में चाहिए। अब बताइए सबसे आसान कौन सा है तीनों का कि डायरेक्ट कोट पे आ जाएगा, टेन का। तीनों को चेंज करना है कोट में, इन तीनों को चेंज करना है कोट में। तीनों को किसमें चेंज करना है, कोट में चेंज करना है। सबसे आसान है कि आप किसको चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, अपन सबसे पहला काम है कि टेन को अपन डायरेक्ट चेंज कर देंगे। टेन को डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉट थीटा। टेन को डायरेक्ट चेंज करेंगे कॉट थीटा, फिर इन दोनों को चेंज करेंगे कॉट में। स्टूडेंट्स इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट के टर्म्स में चाहिए। सबसे इजी है कि टेन डायरेक्ट हो जाएगा कॉट में और इन दोनों में आइडेंटिटी के थ्रू अपन चेंज करना कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले मैं कोट का बता देता हूँ, सॉरी टैन का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन कोट थीटा। पहले का मतलब टैन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोट आ गया। नंबर दूसरा साइन भी चाहिए सेक भी चाहिए। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, अरे अपन बात करें, आपको ये जरूर पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अरे अपने को कोसेक नहीं चाहिए, अपने को तो साइन चाहिए, इस साइन के टर्म्स ऑफ कोट चाहिए। स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अपने को देखिएगा साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, एक बार सामने देखेंगे अपने को साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को तो साइन थीटा चाहिए। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट करेंगे। रूट करने से स्टूडेंट्स फायदा क्या होगा, देखिएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इसका भी क्या कहेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे रूट करेंगे वन का रूट हो जाएगा वन और इसका रूट साइन थीटा, ठीक है, और इसका रूट नहीं हो सकता बिकॉज वन का अलग है कोट स्क्वायर अलग है। अगर ये ऐसा होता वन प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, अगर ये ऐसा होता वन प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, तब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता, गायब हो जाता। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग है, होल स्क्वायर नहीं है। अब देखो अपने को वन अपॉन साइन नहीं चाहिए, अपने को तो सिंपल साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन। अब आप मेरे को बताओ इसके नीचे क्या मैं वन लगा सकता हूँ, या सुन लो, जब इसके नीचे मैं वन लिखूंगा तो इसको ऊपर लेके जाएंगे ये नीचे आएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये नीचे आएगा। पहले का मतलब उल्टा सीधा कर रहा हूँ, जैसे मैं उल्टा सीधा करूंगा क्या हो जाएगा बताइएगा, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट में वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स साइन थीटा को ऊपर ले गया, वन को नीचे ले गया, देखिए वन नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वन जैसे ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। टैन का कोट की टर्म्स में आ गया, साइन का कोट की टर्म्स में आ गया, नंबर तीसरा बच गया,
सेक को लिखना है कोट की टर्म्स में। अरे अपन जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करना पड़ेगा, tan को नहीं चाहिए कोट में चाहिए, इसमें चाहिए अपने को कोट में चाहिए, दैट्स tan को लिखेंगे 1 अपॉन कोट स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये कोट स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, रूट करेंगे, रूट करने से फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉट स्क्वायर प्लस 1 व्हिच इज कॉट स्क्वायर, लेकिन कुछ इसको रूट तो गायब हो जाएंगे, कुछ रूट गायब नहीं होंगे, ये वाला रूट गायब हो जाएगा सिंपल sec थीटा, लेकिन ये वाला गायब नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये ऐसा था ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये नीचे वाला गायब हो जाएगा स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, नीचे वाले के रूट नहीं आएगा। अब देखो tan का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cot, sin का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cot, sec का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cot, सभी स्टूडेंट्स के बात समझ में आ गई तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे चले। डन, ओके। श्रीकांत, कुछ स्टूडेंट देवांग, बेटा टाइम से क्लास लिया तुम, आप टाइम पे आया करो ना क्लास में, 9:15 के आसपास क्लास होती है तो आप एक्टिव रहा करो, मैं क्लास को ऊपर नीचे कर सकता हूँ लेकिन आप मत किया करो क्लास को ऊपर नीचे। स्टूडेंट्स आपके कौन सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट और सेकेंड, मैंने आपको दो क्वेश्चन और नहीं करवाए, 25 वाला और 26 वाला, वो करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, देखिए बड़ा क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में LHS ये है, ये LHS, सर ये LHS क्या है, ये RHS, राइट हैंड साइड को बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं LHS, लेकिन जो बीच में आता है उसको बोलते हैं MHS। तीन भाई है, तीनों भाइयों को अपन इक्वल करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा, इसको अपन इसके इक्वल करेंगे और इसको अपन इसके इक्वल करेंगे, तो तीनों भाई आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं LHS लिख के चलूंगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फर्स्ट काम होता है साइन और कॉस में चेंज करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पहले से साइन और कॉस में है। दूसरा काम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम ही आएगा, ये भी एलसीएम में आएगा, ये भी एलसीएम में आएगा, मतलब क्या हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा
प्लस कॉस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज तो ये चीज मल्टीप्लाई होगी, तो जैसे मान लो ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है, जब अपन ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे आएगा ए माइनस बी स्टूडेंट्स, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, इस प्लस वाले से ये माइनस वाला कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी वन। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू वन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू वन। और नीचे देखो, अरे वन वन टू तो हो जाएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, वन वन टू तो हो जाएगा, लेकिन नीचे देखो यहाँ पे जो कोस आ रहा है यहाँ पे साइन आ रहा है, जब कोस आ रहा है तो साइन नहीं आ रहा, जब साइन आ रहा है तो कोस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कोस आ रहा है लेकिन यहाँ साइन भी आ रहा है कोस भी आ रहा है, ये तो आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, जब ये नहीं आना चाहिए तो उसको भगा दो, नाराय गए भगा दो इसको, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि अपने को लाना क्या है कोस ही लाना है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर में, और ये ऐसा का ऐसा। आपके पास क्या आया टू अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपकी क्या है एनएचएस, क्या है एनएचएस, एमएचएस, एनएचएस को लेके चला एमएचएस आ गई। अब एमएचएस को लेके चलो, इसको लेके चलेंगे एनएचएस। Now, MHS, वो क्या है टू अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो एक बार इतना नोट करो, एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले ताकि अपन आगे चल सके। अब
ठीक है। अब देखिएगा एमएचएस आपकी ये है, ओके। मैं एमएचएस से एमएचएस को लेकर आ गया, अब इस एमएचएस से क्या लेकर आ रहा हूं, आरएचएस। चले क्या लाना चाहता हूं, आरएचएस। एमएचएस आपका ये, आरएचएस के अंदर नीचे साइन आ रहा है, वो पूरा सेम है, टू ऊपर आ रहा है, नीचे वन आ रहा है, लेकिन वो माइनस में आ रहा है, लेकिन कोस के लिए क्या साइन। स्टूडेंट्स कोस को तो बता दो, साइन लियो टू अपॉन वन माइनस टू कोस स्क्वायर की वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर की टू वन माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू आएगा, माइनस 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 प्लस और ये टू साइन स्क्वायर थीटा, टू टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये अच्छा लगेगा इसको पहले लेके लिए, टू साइन स्क्वायर थीटा वन में से टू गया माइनस का वन में से टू गया तो माइनस का वन, तो ये भी आपका क्या आ गया आरएचएस। लास्ट में क्या लिखेंगे एक्स LHS equal to MHS equal to RHS। As LHS equal to MHS equal to RHS। तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 26। 2060 में LHS लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा वो सिंपल LHS। cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus सोल्व करेंगे तो RHS आ जाएगी। स्टूडेंट्स फर्स्ट काम होता है साइन कोस में चेंज करते हैं, कोस ए पहले से साइन कोस ही, अरे साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे तो क्योंकि साइन कोस में पहले से ही है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। मैं चेंज करके लिखता हूं 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब यहां पे साइन कोस के बदलने के बाद, साइन कोस के बदलने के बाद एलसीएम लेते हैं। मैं हमेशा तीन स्टेप में किसी को कम करते रहता हूं। पहला काम होता है साइन कोस के बदलना, दूसरा काम होता है एलसीएम लेना, तीसरा काम होता है कोई ना कोई फॉर्मूला लगता है। पहला काम साइन कोस में चेंज किया, हमें एलसीएम मिला, तो नीचे में एलसीएम मिला कोस ए वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए आ जाएगा, ठीक है। आपको पता ये चीज घूमेगी, जैसे ही घूमेगी बटे अपॉन से नीचे वाली चीज घूमेगी कोस ए से कोस से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर ए और नीचे आएगा cos a माइनस sin a, ऐसे ही नीचे वाली चीज घूमेगी मुड़ते sin स्क्वायर a बन जाएगा और नीचे क्या आएगा sin a माइनस cos, ठीक है। यहाँ पे cos a प्लस का साइन ए माइनस का,
यहाँ पे उल्टा स्टूडेंट्स जैसा काम यहाँ वैसा काम कितना करेंगे, एक बार कितना स्क्रीनशॉट ले आप ताकि अपन आगे चले। अब देखिएगा मैं पहले स्टेप को तो पहले टर्म को थोड़ा तो ऐसा का ऐसा ही लिखूंगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन कल भी करवाया था, उससे पहले भी करवाया था, मैं ऐसा ही बनाना चाह रहा हूँ इसको। तो जहां कोस ए प्लस का है साइन ए माइनस का है, तो मैं यहाँ पे भी कोस ए को प्लस का बनाना चाह रहा हूँ, साइन ए को माइनस, तो इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लूंगा तो देखिएगा ये कोस ए जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, देखो ऐसे ही सकता था, जब माइनस कॉमन लूंगा कोस ए को हो जाएगा प्लस का, और साइन ए हो जाएगा माइनस। जब माइनस को मान लेते हैं माइनस वाली चीज प्लस में हो जाती है, प्लस वाली चीज माइनस में हो जाती है। अब देखिएगा ये प्लस इस माइनस से माइनस बन जाएगा, एलसीएम क्या है, ये प्लस माइनस का होगा माइनस, अब दोनों में एलसीएम कॉस के माइनस साइन ए आया, इससे हुआ कट जाएगा कॉस स्क्वायर के आए, इससे कट जाएगा साइन स्क्वायर के आए, ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जो आएगा प्लस में और एक बार आएगा माइनस नीचे कॉस ए माइनस साइन, इससे ये कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस साइन ए, और यही आपका क्या है माइनस। स्टूडेंट्स ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। 7.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 7.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा। इन क्वेश्चनों को बार बार अभी आप दो बार और सॉल्व कर लो, अगर आप लोगों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से दो बार सॉल्व और कर लिया तो मान के चलिए आपकी इस एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो 100% आपके कंफ्यूजन रहेगी, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी चीज और है, आप लोग इसमें एग्जांपल्स क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 से लेकर 9 तक बहुत इजी एग्जांपल थे आपने कर लिए होंगे, लेकिन तीन एग्जांपल और बच गए हैं, एग्जांपल नंबर 10 एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 12, ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स मैं कराऊंगा। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर अपन बात करें, नाइन से बात कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9 से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? चलो एग्जांपल नंबर 9 से बात करते हैं। NHS लिख रहा हूँ cos की पावर 4 थीटा माइनस का sin की पावर 4 थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो आएगा प्लस में और एक बार आएगा माइनस में। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को वन होती है और ये भी आपको क्या करना नहीं इसके आगे भी करना देखिए। जो आपकी आरएचएस है एग्जाम्पल नंबर 9 की जो आपकी आरएचएस है एग्जाम्पल नंबर 9 की आपकी जो आरएचएस है उसमें कोस नहीं आ रहा है, सिंपल क्या आ रहा है साइन आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 की कोस नहीं आ रहा है साइन आ रहा है, इस कोस स्क्वायर को लिख लिया पर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया, क्या मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या है आरएचएस। ठीक है ये कौन सा एग्जांपल है 9 वाला। स्टूडेंट्स मैं आपको सारे एग्जांपल्स भी करवा दूंगा बोर्ड पे, ठीक है कल वाली क्लास में मैं सारे एग्जांपल्स ले लूंगा। पहले होगा 10 वाला 11 वाला 12 वाला, ठीक है 10 11 12, फिर मैं आपके जो 9 से पहले वाले एग्जांपल्स है वो भी करवा दूंगा। मैंने जितना काम करवा दिया आपको वो तो बढ़िया तरीके से आप कॉपी में काम करें, बढ़िया प्रैक्टिस करें, जितने जितना हो सके लाइव क्लास देने की कोशिश करें क्योंकि उससे फायदा आपको होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अगर आगे चले।